हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वाति। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खाना खजाना विद स्वाति पवार में। आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू के फूल के पकोड़े। ये बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता होते हैं। कद्दू के फूल देखिए दोस्तों, हमने 5 से 6 कद्दू के फूल ले लिए हैं। इसे हमें बीच से कट कर देना है और इसे एकदम से ऐसे ओपन करके देखना है कि इसमें कुछ है तो नहीं। हमें इस तरीके से कद्दू के फूल को सबसे पहले साफ कर लेना है, जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों आप लोग। इस तरीके से हमें साफ कर लेना है सारे फूलों को। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने सारे फूलों को साफ कर लिया है, धो लिया है। इसे हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। अब हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे एक मिक्सिंग बाउल। हमने यहाँ पे लिया है 1/2 कटोरी से थोड़ा ज्यादा बेसन। पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1/2 कटोरी से थोड़ा कम चावल का आटा। आप चाहे तो इसे साबुत चावल को पीस के उसका घोल भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पे चावल आटा लिया है। अब हमने यहाँ पे लिया है बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, बारीक कटी हुई हरी धनिया, 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं और कुछ पुदीने के पत्ते लिए हैं। इससे जो हमारे पकौड़ों का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा फ्रेंड्स। जो हम कद्दू के फूल के पकौड़े बना रहे हैं वो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता बनेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ सूखे मसाले ऐड कर लेंगे। हमने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा जीरा, लाल मिर्च पाउडर लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे हरी मिर्च भी लिया है, इसीलिए हमने 1/2 चम्मच से कम हल्दी लिया है, हल्दी पाउडर। 1/2 चम्मच हमने यहाँ पे नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। इसे हम थोड़ा हाथ से क्रश कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे सारे घोल को अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से हमें सारे मसालों को मिक्स कर लेना है। पानी हमें ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी मिक्स करेंगे हम। जो ये घोल है इसे ज्यादा पतला भी नहीं करना है और ना ही ज्यादा हमें गाढ़ा करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा घोल बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे हमने ना ज्यादा मोटा किया है और ना ही ज्यादा पतला किया है। अब हम इस घोल को 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। इससे हमारे पकौड़े जो है वो बहुत ही अच्छे से बनेंगे, टेस्टी क्रिस्पी और अच्छे से फूलेंगे। 5 मिनट के लिए इसे हम ढक के रख देंगे। 5 मिनट हो चुका है, हमारा घोल जो है वो बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है। देखिए ये अच्छे से फूल चुका है। अब हम गैस में पैन रख देंगे तेल गर्म होने के लिए। हमारा तेल जो है वो गरम हो रहा है। हमारा ऑयल जो है वो गरम हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके पकौड़े डालेंगे। पकौड़े हमें इस तरीके से डालना है। हमें पकौड़े के फूल जो है, जो हमारे कद्दू के फूल है, इसे बैटर में आसपास से अच्छे से डुबो लेना है। इसके बाद हम इसे, जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसी तरीके से सारे पकोड़े हमें डालने हैं। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम में हमारे पकोड़े जो हैं वो बहुत अच्छे से पकेंगे। दोस्तों कद्दू के फूल के पकोड़े बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छे होते हैं। ये गांव की एक देसी डिश है। हमने यहाँ पे पकोड़े डाल दिए हैं। अब इन्हें अच्छे से पकने देंगे हम गोल्डन ब्राउन होते तक, दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। इस तरीके से हमें पकाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारे पकोड़े एक तरफ से सिक चुके हैं। अब हम इन्हें पलट देंगे। इन्हें हमें पलटते रहना है ताकि दोनों साइड से हमारे पकोड़े जो है वो अच्छे से सिक जाए। देखिए ये कितने अच्छे से फूल रहे हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पकोड़े अच्छे से सिक चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, अब हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा कलर है, बहुत ही अच्छे से हमारे पकोड़े बनके तैयार हुए हैं। देखिए आवाज भी कर रहे हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी है। इसी तरीके से हमें सारे पकौड़ियों को बना लेना है। देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही टेस्टी दिख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे कद्दू के फूल के पकौड़े बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखिए दोस्तों ये कितने क्रिस्पी बने, एकदम कुरकुरे बने। देखिए ये तोड़ने पे कितने अच्छे से, देखिए कितने लाजवाब, कितने टेस्टी दिख रहे हैं ये हमारे पकौड़े। हमने इसे नारियल की चटनी के साथ, दही के साथ और सॉस के साथ सर्व किया है। आप भी हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।